हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिसने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी लगाए हो। तो पांचवें नंबर पर इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कपिल देव हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1982 को 86 गेंदों में सेंचुरी लगाए थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है गब्बर यानी शिखर धवन, जिन्होंने अपने एक्स ससुराल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 को अपने डेब्यू मैच में मात्र 85 गेंद पर ही सेंचुरी जड़ दिए थे। उसके बाद भी रुके नहीं, 174 गेंदों का सामना करते हुए 187 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद थर्ड नंबर पर है वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 2006 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 78 गेंदों में सेंचुरी लगाए थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 1996 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 74 गेंदों में सेंचुरी लगाए थे। उसके बाद पहले नंबर पर भी कपिल देव ही हैं, जिन्होंने 1986 को श्रीलंका के खिलाफ 74 गेंदों पर ही सेंचुरी लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में इतना तेजी से कौन बल्लेबाजी करता है भाई? 80-90% प्लेयर्स तो वनडे क्रिकेट में भी सेंचुरी लगाने के लिए 100 से ज़्यादा गेंद खेल जाते हैं, फिर इन प्लेयर्स को किस बात की जल्दी थी जो टेस्ट क्रिकेट में 100 से कम गेंदों पर ही सेंचुरी लगा दिए थे।